आपके लिए कुछ सरप्राइज है। सरप्राइज? अच्छा, तुम्हारे बाबूजी आ रहे हैं क्या? तुम क्या कम थी, दोनों बाप बेटी मिलकर मेरी छत को उठाओगी? जी बेइज्जती। अरे अभी ना, अब फिर से पिता बनने वाले हैं। क्या? अरे सच में तुम मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तुम मेरे दिल को खुश करती। एक मिनट रुको, ये बात मैं माँ को बता के आता हूँ। हे माई। हाँ? अरे तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ा खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? अरे तुम फिर से दादी बनने वाली हो। हाँ? हाँ? सही बोल रहा है। हे माता रानी, इस बार पक्का पोता ही देना हमको। पोता की आवाज सुन के मेरे कान तरस गई बा। इस बार तो पक्का ध्यान रखिएगा, एकदम पक्का पोता ही हो। अरे माई, पोता पोती में कोनो फर्क थोड़े है। चल चुप। अरे क्या हाल है दीपक बाबू? और सब आपका? सब 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 बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है। जनता का आशीर्वाद है, मेहनत है। क्या बिहार का तो हालत इतना है खराब कि क्या बताएं। बिहार में बेरोजगारी, बदहाली और नौजवानों का इतना दशा है, लेकिन फिर भी उसी में हम लोग का प्रयास चल रहा है कि कैसे बिहार को बदला जाए, कैसे बिहार में अच्छा व्यवस्था लाया जाए। देखिए, छोटा सा प्रयास है, आप नौजवानों का साथ रहेगा तो निश्चित बिहार बदलेगा। यही प्रयास है। चाहते ही है कि कोई पढ़ा लिखा प्रत्याशी आए, जो अपने दर्दों को समझता है वही ना लोगों को। ना एक न एक दिन होगा। देखिए, प्रयास हम लोग का निरंतर है, तो एक न एक दिन तो समाज भी बदलेगा और बिहार भी बदलेगा। तब और सब सब बढ़िया ना? चाय बनी। अरे भाई मेरे, चाय तो आप तो आइए आइए बैठिए। आप तो नहीं है मानिएगा, चाय पिलाइएगा, छोड़िएगा महाराज। चलिए भाई, चलिए भाई। अरे भाई क्या बात करते हैं, चाय बहुत अच्छी है, बहुरानी का हाथ का चाय। वाह क्या बात करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्वादिष्ट चाय बना है। तब दीपक बाबू बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। वाकई में आज खुशी का दिन का है कि आप फिर से चाचा बनने वाले। अरे वाह, अरे बहुत 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 बधाई हो भाई मेरे, बड़ा अच्छा खुशखबरी सुना दिए भाई मेरे। निश्चित मिठाई खाएंगे, काम मिठाई खिलाएंगे पूरे लोगों को भाई। बस भैया एगो ललसा है कि एगो बेटा हो जाता, हमरे वंश को आगे बढ़ाता। दीपक बाबू, ललसा और श्रद्धा तो ठीक है, लेकिन बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता है। अगर आपका दृढ़ निश्चय संकल्प लेकर के उस बेटी के ऊपर ये मत सोचिए कि उस बेटी को दहेज देना है, इतना उसको पढ़ाइए लिखाइए ना कि खुद काबिल बनकर पूरा दुनिया में आपका नाम रोशन कर देती है, तो ये मत सोचिए कि बेटे होगा। अरे भगवान है, ऊपर वाले जो करेंगे अच्छा करेंगे, बस देवी मैया का नाम लीजिए, सब कल्याण होगा, सब सही होगा। भैया हम तो इस बात को भली भांति समझते हैं, माई बाबूजी पुराने ख्याल के। देखिए माई बाबूजी तो ख्याल के हैं तो ठीक है, उन लोगों का तो डिमांड होबे करेगा, लेकिन आप तो नए जमाने के हैं, अब आप इस चीज में पड़ेंगे तो अच्छा नहीं ना लगेगा। कोई भी लड़की जो अपने माँ बाप का घर छोड़ करके एक पराई इंसान के साथ जब आती है ना, तो उसी को अपना सारा दुनिया मानती है, उसी को अपना सब कुछ मानती है। और आपसे काफ़ी उम्मीद होगी, अगर इस बात को लेकर के आप थोड़ा सा भी आपके मन में अगर उसके लिए कुछ होगा तो उसको कितना तकलीफ होगा। तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। अरे भैया आप तो हमारे आँख खोल दिए। बस बस यही प्रयास करना है। समाज एक आदमी के चाहने से नहीं बदलेगा, सामूहिक प्रयास होगा, समाज भी बदलेगा, सोच भी बदलेगा। देखिए तो क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, देखिए क्या हुआ। बता सकते हैं कि लड़की है कि लड़का है? क्या मैम क्या पूछ रही है? सब पूछना कानूनन अपराध है, आपको मालूम नहीं है क्या? जाइए यहाँ से, ये सब सब प्रशिक्षण यहाँ पे नहीं होता है। मैम यहाँ सब कुछ होता है, आप सिर्फ डॉक्टर को नहीं बताइएगा, सिर्फ मन लगेगा पैसा। चलिए
बधाई हो मैम, आपके घर में लक्ष्मी आने वाली। क्या ए बेटा, हमको बेटी उठी नहीं चाहिए। चल बहू एबसेंट करा दो। माँ जी ये क्या कह रही हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता है, प्लीज माँ जी। ये जी समझाइए नहीं इनको। माँ जी नहीं का कह रही है, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। तुम चुप रहो। अरे चाची आपको समझना चाहिए, आज के जमाने में इस तरह का बात आप कर रही हैं। आज के जमाने आप बेटा बेटी का फर्क कर रही हैं। शर्म आना चाहिए चाची आपको इस बात को लेकर के। आज की दुनिया में बेटी कहाँ कहाँ तक क्या नहीं कर रही है और आप बेटा बेटा कर रही हैं। आप चुप रहिए, हमारे परिवार के बीच में मत बोलिए। ठीक है, हम तो जा रहे हैं चाची, लेकिन एक दिन समय आएगा जरूर पछताइएगा और जरूर मेरा बात आपको याद आएगा। ठीक है बाबू, ख्याल रखना। चलो चलो ऐसा मत कीजिए। चलो माँ जी नहीं। सुना सुना सुनो ये माई, सुना 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 सुनो ये माई। बेटा बात के चाह में ना बेटी के मुआई, बेटा बात के चाह में ना बेटी के मुआई। गर्भ में मुआवे डॉक्टर लग जाके लोगवा चेकअप करावे, बेटिया के नाम सुनते गर्भ में मुआवे। बेटी न रही तो मई कहाँ से आई, बेटी न रही तो मई कहाँ से आई। हमाई न रही तो बेटा कौन जहन माई, अब बेटा के चाह में न बेटी के मुआई। काली बेटी एक दुश्मन का है, बेटी ये हो जाली, बेटी ये हो दुर्गा लौरी, बेटी ये हो काली, बेटी एक दुश्मन का है, बेटी ये हो जाली। बेटी ये से पूरा संसार बाए माई, बेटी ये से पूरा संसार बाए माई। बेटा बाप के चाह में ना बेटी के मुआई, बेटा बाप के चाह में ना बेटी के मुआई। दीदी, ए दीदी। हाँ सुनिए ना। बोलिए।
बेटी है आपके घर में? नहीं, मेरे घर में बेटी नहीं है, सिर्फ लड़का लोग हैं। कन्या खिलाना था तो नहीं है बेटी मेरे घर में, सिर्फ लड़का लोग हैं। अच्छा ठीक है। कोई है दीदी? बेटी है आपकी? नहीं नहीं है बेटी। बेटी है ये नहीं, नहीं है, है। कैसे कन्या खिलाएंगे फिर? तो हम क्या बताएंगे, हमको दो गो लड़का है और कोई यहाँ पे नहीं है। नहीं नहीं है। नहीं नहीं है। भैया आपकी बेटी है? जी बेटी है। थोड़ा दुर्गा माँ का जो पाठ करवाए हैं ना, अब हमको नौ दुर्गा का जो पाठ हुआ है, अब नौ कन्या को खिलाना है प्रसाद हमको। जी जी। तो बहुत परेशान है, खोज रहे तो कहीं मिल ही नहीं रही नहीं, है। तो बेटी तो है लेकिन गई है गाँव है, अब यहाँ नहीं है। आगे देख लीजिए, अनिकेत जी का घर है वहाँ। सब जगह खोज लिए। नहीं आगे आगे है, आगे है घर। आगे है जी, आगे है, बोले है ना अनिकेत जी के यहाँ। अच्छा जी। अच्छा ठीक। मुतिहारी में कौन आ रहा है? मुतिहारी में द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं। ये कौन है? नहीं जानती हूँ ये कौन है। द्रौपदी मुर्मू अपने हिंदुस्तान की राष्ट्रपति है, महामहिम है, और वो एक बेटी है, औरत है। जब बेटियां मन लगा के पढ़ती है ना तो देश का नाम रोशन करती हैं। तुम लोग भी मन लगा के पढ़ोगी तो तुम लोग भी देश का नाम रोशन करोगी। जैसे कि द्रौपदी मुर्मू ये राष्ट्रपति है, देश की महामहिम है, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति है। तो तुम लोग भी मन लगा के पढ़ोगी तो तुमको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और इसको IPS बनाया जाएगा। चलो मन लगा के पढ़ना है ना, ठीक है? एकदम मन लगा के पढ़ना है, ठीक है? चलिए। अनिकेत जी। हाँ चाची बोली। प्रणाम। बोलना था कि बताओ जाओ, बताओ जाओ। कैसे बोली हम बताइए ना। थोड़ा नवरात्र का पूजा किए थे। जी जी। तो आप ही बच्ची लोग को थोड़ा सोचे थे कि नवरात्रि। अच्छा कुंवारी खिया हुए। हाँ, है। हाँ। अच्छा अच्छा आई आई पहले रहुआ हेलंग बैठी। आई आई बाबू तुम अंदर जाओ तो। चलो आई 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 रहुआ आई 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 आई। चलो खुश रहो। जाओ जाओ अंदर जाओ। बैठी चाची रहुआ, पहले बैठी, पहले बैठी 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 बैठी। तब चाची जरूरत तो पड़ी ना गया बेटी का? उस समय जब अस्पताल में हम समझा रहे थे आपने मुझे डांटा, आपने यह भी बोला कि मेरे घर के मामले में मत बोलिए। हमने क्या कहा था कि बेटे बेटी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आपने मुझे डांट दिया कि मेरे घर के मामले में मत बोलिए। और आपने अपनी नाजुक सी उस पोती का आपने नुकसान करवा दिया जो इस दुनिया में आंख तक नहीं खोल पाई, दुनिया में कदम तक नहीं रख पाई। उस आपने उसका एबॉर्शन करवा दिया और आपने मेरा सुना तक नहीं। आपने कितना बड़ा पाप किया था, आज उसी बेटी के लिए आपको दर दर भटकना पड़ रहा है कुंवारी खिलाने के लिए इस नवरात्रि के पावन महीने में। उसी बेटी के लिए आपको पता है बेटी के बारे में? आज बेटियां भी आसमान चूम रही है, आसमान में उड़ रही है। इस देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जो देश की राष्ट्रपति है, बेटी है। कल्पना चावला जो देश के लिए शहीद हो गई और इस काम करते करते देश की बेटी थी। बिहार की शारदा सिन्हा प्रसिद्ध गायिका जो छठ की, आज भी जब छठ का गाना सुनता है कोई क्या कहें हम, वो भी बेटी है। इस शहर इस मोतिहारी शहर की जो मेयर है प्रीति कुमारी, वो भी बेटी है, वो भी बेटी है। बिहार का नाम पूरे विदेश में रोशन करने वाली मैथिली ठाकुर, वो भी बेटी है। अगर इन सबकी माता, इन सबका पिता अगर गर्भ में ही मार दिया रहता तो इस देश को द्रौपदी मुर्मू जैसी राष्ट्रपति मिलती क्या? देश को कल्पना चावला जैसा बेटी मिलती क्या? इस मोतिहारी शहर को प्रीति कुमारी जैसा मेयर मिलती क्या? नहीं मिलती। चाची बेटी बेटी लक्ष्मी का रूप होता है, देवी का रूप होती है। अरे बेटी दुर्गा है, बेटी मान सम्मान होती है। और आज के डेट में ऐसा समय हो गया है, ऐसा माहौल बन गया है कि बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। दुर्भाग्य है ऐसे लोगों की सोच पर, हम थूकते हैं ऐसे लोगों की सोच पर जो लोग ऐसा सोचते हैं। क्या हो गया है समाज को, आज बेटी के लिए आप दर दर भटक रही हैं, दर दर दरवाजे पे आप जाके कह रही कि कोई कि आपके पास बेटी है कन्या खिलाना है, बेटी है कन्या खिलाना है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे घर में बेटी है,
मैं सौभाग्यशाली हूँ, भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली हूँ। और मैं जानता हूँ कि मेरी बेटियां एक दिन मेरा ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करेगी, मुझे उन पर विश्वास है। और वो बेटियां किसी बेटे से कम नहीं है, जरूर दिखा के एक दिन दिखाने का काम करेंगी। सूरज ना होता, चांद ना होती, आसमान ना होता, धरती ना होती, बेटा 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 करता रहता है लोग, बेटियां ना होती तो ये बेटे भी ना होते, ये बेटे भी ना होते चाची। हम नहीं माफ करेंगे चाची, हमको भी यही पता है कि हम भी तो किसी की बेटी है। यही चीज आप ये भूल गई थी, आप बेटे की चाह में जिस बेटी का हत्या करवाई अपने गर्भ में, आप भूल गई थी कि आप भी तो किसी की बेटी हैं। चाची आपको अफसोस है, बस इतना ही हम आपको कहना चाहते हैं। और आप समाज में जरूर संदेश दीजिए कि कोई ऐसा घटना दोबारा ना घटे और कोई बेटे के चाह में गर्भ में किसी बेटी को ना मारे। बहुत तकलीफ होता है चाची, आपको पता है, आपको पता है इन हाथों में इसी मोतिहारी शहर के चंदमारी चौक की गलियों में एक बेटी नवजात बच्ची को फेंका गया था। अनिकेत ने अपने हाथ से उठाया उन नवजात बच्ची को, एक दिन के देखा कि बेटी है, किसी ने फेंक दिया था। यही अनिकेत का वो हाथ था जो हॉस्पिटल चौक मोतिहारी में कचरा में बेटी को फेंकी गई थी, उस बेटी को मैंने उठाया था। यही अनिकेत का हाथ था जो NH 28 पर बालिका गिरी के सामने बेटी को फेंका गया था, वहां हमने उठाने का काम किया था। ये वही हाथ है जो छतौनी से आगे चौक पर वहां पे बेटी को कचरे में फेंका गया, तो वहां से उठाने का काम किया। क्या हो गया इस समाज को, क्यों समाज के लोग बेटी को पैदा होते ही जमीन पे फेंक देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं? उन लोगों का कचरा जैसा यह सोच समाज को पीड़ित करते हुए जा रहा है, उनका कचरा वाला यह सोच समाज को पीड़ित कर रहा है, समाज को बीमार कर रहा है। बेटी बेटी लक्ष्मी का स्वरूप है, सौभाग्यशाली लोगों के घर में बेटियां पैदा होती हैं। माफ कर दीजिए अनिकेत बाबू, हमको नहीं पता था कि हम भी किसी के बेटी हैं। चलिए आपको याद आया, कम से कम आपको अफसोस हुआ, इतना ही काफी है। हम दोनों बच्ची को भेज रहे हैं, जाइए नवरात्रि का पूजा करिए, प्रसाद खिलाइए। आओ बाबू दोनों आओ, तो कहाँ हो, आ जाओ आ जाओ जाओ जाओ, चाची के साथ जाओ और प्रसाद खा के तुम लोग आओ, ठीक है? चलो जाओ जाओ चलो। देखा आप लोगों ने, यही कहा जाता है बेटियों को मारने वाले और बेटियों की हत्या करने वाले गर्भ में ही यह शायद भूल जाते हैं बेटों की चाह में, कि अगर बेटियां ना होती तो माँ कहाँ से होती, और माँ नहीं होती तो तुम लोग कहाँ से होते, इस बात को याद रखिएगा। और यह छोटी सी बात मैं आप सबको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ, जिस किसी के भी दिमाग में यह चलता है कि बेटा होगा तो कुल खानदान चलेगा, बेटा होगा तो खानदान का नाम आगे बढ़ेगा, जी नहीं, बहुत लोगों का बेटा है इस दुनिया में, कुल खानदान का नाम ऊंचा तो दूर डुबा के छोड़ देता है। तो ये मायने नहीं रखता है कि आपकी बेटे हैं कि बेटियां हैं, मायने रखता है आपका सच्चा श्रद्धा और आपकी शिक्षा और आपका संस्कार। अगर सही संस्कार सही शिक्षा बेटियों को दीजिए ना, और मत सोचिए कि बेटियों को दहेज देना है, मत सोचिए कि हमें बेटियों की शादी में खेत बेचना होगा, यह भी मत सोचिए कि हमें कर्ज लेना होगा, सिर्फ और सिर्फ यह सोचिए लक्ष्मी जैसी और दुर्गा जैसी बेटी को पढ़ाना है, लिखाना है, समझदार बनाना है और उस काबिल बना देना है, ताकि सारी दुनिया उन बेटियों के सामने नजर झुकाए और सर झुकाकर उनको सलाम करे और उनकी योग्यता को सलाम करे, उनके प्रतिभा को सलाम करे। उस दिन जाकर के पता चलेगा कि बेटियां बेटों से कई गुना लाख गुना बड़ी होती हैं और बहुत बड़ी होती है और बहुत ऊंची होती है। बेटी है तो समाज है, बेटी है तो देश है, बेटी है तो आप हैं और हम हैं।